हाय गाइस, आप देख रहे हैं कमाल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ एमडी वज़ीफ़ा कमाल। नाम ही में सब कुछ रखा है, लेकिन आज नाम में कुछ नहीं रखा है। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिजिक्स का क्लास 12 का 10वां चैप्टर, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले मैं 9 चैप्टर का 2011 से 2024 तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा था, मैं सभी डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं 10वां चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं पहला क्वेश्चन से। आखिर पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन 2019 का सवाल है। क्वेश्चन है द वेव फ्रंट, क्या है वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। मान लो कोई एक सोर्स है, इस सोर्स से एक निश्चित दूरी पे एक पॉइंट सोर्स है, तो वहाँ पे वेव फ्रंट कैसा होगा ये पूछ रहा है। तो स्फेरिकल होगा सर, ना कि सिलिंड्रिकल होगा, ना सर्कुलर होगा, ना प्लेन होगा। कैसा होगा? वो स्फेरिकल होगा। दूसरा सवाल यही है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, क्या है सेकेंडरी वेवलेट की जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? क्या फ्रेंसल ने दिया, क्या मैक्सवेल ने दिया, क्या ह्यूजेंस ने दिया, या न्यूटन ने दिया? मैंने पहले ही बता रखा था कि ह्यूजेंस ने दिया था क्लास में, पहले लाइन पहला डिफिनेशन में नाम ही बताया था, तो इसे क्लास से कुछ भी बाहर नहीं है। तो इसका क्या हुआ सर? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट जो दिया था वॉज गिवन बाय ह्यूजेंस ने दिया था। कौन दिया था? ह्यूजेंस ने दिया था। तो इसमें दो क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये स्टूडेंट मैं ब्रिलियंट का क्वेश्चन से किताब से मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन तुमसे ये पूछा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की पूछ रहे कि जो लाइट की जो इंटरफेरेंस होता है, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है? फ्रीक्वेंसी वाला नहीं दोस्त, इंटेंसिटी का। वेवलेंथ को लेके हम क्या करेंगे, झाल बजाएंगे क्या? नहीं ना, इंटेंसिटी को लेके आप पूरा इंटरफेरेंस फ्रिंज का विद क्या होगा, फार्मूला याद है तो बन जाएगा। क्या होगा सर? क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा बन। तो स्टूडेंट ये जो तीसरा सवाल है, हाँ इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे देखो, तीसरा सवाल जो कि 18 में पूछा और 23 में पूछा है, तो ये जो सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। ये देखो आपका ये इक्वेशन दिया, इस पर क्या है कि आप डायरेक्ट वैल्यू देंगे और इस तरीके से आपको ये आंसर हो जाएगा। इनका कमेंट में कुछ आप लोग भी कमेंट कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। 2018 का सवाल है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि फेज डिफरेंस जो फाई होता है वो और से पाथ लेंथ जो डेल्टा एक्स होता है, उसमें कौन सी, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको सही साबित करता है, मतलब क्या होगा? तो क्या होगा सर? लेमडा अपॉन 2π फेज होगा। क्या ऑप्शन सी होगा? जो ब्रेवेस्टर लॉ है वो क्या है? ब्रेवेस्टर लॉ बराबर म्यू इक्वल टू साइन आई पी, क्या अभी म्यू इक्वल टू कॉस आई पी, क्या म्यू टेन आई पी क्या होता है? म्यू बराबर 10 आई पी होता है, ना कि 10 स्क्वायर पी। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ये छठा सवाल है कि थिन फिल्म जो है उसकी कलर किसके कारण होता है? ये इसका कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? इंटरफेरेंस के कारण होता है। स्टूडेंट ये जो ब्रेवेस्टर लॉ, लिक्विड लेंस, क्रोमेटिक अवेयरनेस, यंग जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इनका क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। स्टूडेंट ये जो है ना, ये आप 7वां सवाल जो है आप क्या करेंगे, ये 7वां सवाल आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा। और इसी से ये देखो, इसी पैराग्राफ से ये 8वां सवाल भी बना हुआ, 9वां सवाल भी बना हुआ है, 10वां भी बना है, 11वां सवाल क्या क्या इनको समझो। द रीज़न फॉर द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की जो घटनाएँ होती है वो किसके वजह से होती है, और किसके वजह से होती है? वो फेज डिफरेंस की वजह से होती है, या चेंज एम्पलीट्यूड की वजह से, यानी वेलोसिटी में चेंज किया, या इंटेंसिटी। तो देखो यार, जब भी इंटरफेरेंस की जो फेनोमेना हुआ तो फेज डिफरेंस के वजह से होता है। 2023 का सवाल है, विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट का जो प्रोड्यूस होता है और इसका इस्तेमाल कब होता है, यूज पूछ रहा है आपसे। यूज पूछ रहा है तो क्या होता है सर? निकोल प्रिज्म की वजह से। प्रिज्म फिर नहीं, सोडियम क्लोराइड प्रिज्म होते हैं बाई प्रिज्म, ये देखो क्या हो, निकोल प्रिज्म की वजह से। 13 जो सवाल है तुमसे, 13वां सवाल ये पूछ रहा है, द विद डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज डॉट डॉट टू द विद ऑफ इंटरफेरेंस इज फ्रिंज। क्या होगा? इक्वल होगा,
क्या अनइक्वल होगा या सिमिलर होगा या नन ऑफ दिस होगा, क्या होगा फिर द विद ऑफ द डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज डॉट डॉट टू द विद ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज इज क्या होगा अनइक्वल होगा, नॉट द इक्वल क्या होगा सर इक्वल नहीं होगा अनइक्वल होगा, सिमिलर की कोई बात नहीं है, नन ऑफ दिस क्या होगा ऑप्शन अनइक्वल होगा। चौदहवा सवाल ये पूछ रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज द फ्रिंज क्या होगा, फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा वो बढ़ेगा। क्या पूछा द डिस्टेंस पूछ रहा है ना कि एक सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसके फ्रिंज विड्थ क्या होगा चौड़ाई होगा वो सॉरी फ्रिंज विड्थ क्या होगा बढ़ेगा ना कि घटेगा ना कि सेम रहेगा, वो क्या होगा वो बढ़ेगा। स्टूडेंट जो पंद्रहवा सवाल जो कि बहुत ही आसान है, इनका सवाल और 16वां सवाल का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, 16-17 का सवाल कि इसका आंसर क्या होगा। मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड द मैटर, इस चैप्टर में बस इतना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक।